ये जो तुमने क्लिप देखी ना, ये हमारे गुरुद्वार की सड़कों की है, क्योंकि नगर पालिका वालों की हड़ताल चल रही है गुरुद्वार। मस्त लग रही, शादी करा दू मुझे धक्का दे के अंदर और कुंदी लगा ली। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका इस प्यारी सी वीडियो में। तो हाँ भाई, हम घर आ गए थे और तुम अब खुद देख लो, हम 1 तारीख को घर आ गए थे। अब ये वीडियो तुम किस दिन देख रहे हो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। 1 तारीख को घर आ गए थे, अभी बाल कटवा के आया हूँ क्योंकि श्राद्ध आने वाले हैं, तो उसके बाद बाल कटेंगे। सुबह सिद्धबली मंदिर भी होके आ गया, वो भी नहीं दिखा पाया, मतलब वो तो तुम सीधा व्लॉग ही देख लेना वहाँ का डाला हुआ है। तो अभी बज रहे हैं 1, पापा को भी छोड़ के आ गए, सारा काम हो गया, अब थोड़ा बाहर बाहर निकलेंगे तो बात करेंगे। तो भाई हम आ गए, इससे पहले तुमने हस्तिनापुर वाला व्लॉग देख लिया होगा, उसके बाद हम सीधा घर आ गए। और घर आने वाले दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा माइंड ऐसे ही चल रहा था। और इतने दिन मैंने बीच में गैप क्यों ले लिया, इसी वजह से ले लिया क्योंकि मन नहीं हो रहा था व्लॉग व्लॉग करने का। मतलब मन ऐसा नहीं कि मन उबर गया था, कि कुछ और चीज़ें जो इससे इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें थी मेरी लाइफ में, तो इसलिए। दूसरी बात, मेरी माँ खटपट कर रही है, गुस्सा दिला रही हो। अभी करो बिल्कुल खटपट, पता है कि नहीं करनी इस समय। डालूंगा देखिए ये भी, कि परेशान कितना करो पीछे से। और हाँ, पहले ये बताओ, कमेंटों में तुम लिख रहे हो विक्रांत के लिए कि वो, पता मम्मी कमेंट में विक्रांत के लिए आ रहा है मैसेज कि तुम उसे इतना परेशान क्यों करते हो भाई। अबे पहली बात तो मेरा भाई है, परेशान करूंगा मैं? दूसरी बात, तुम इतने हिमायती कब से हो गए उसके, तुम जानते भी उसे हैं? वो कैमरे के पीछे जितना हराम है ना, तुम्हें पता भी नहीं है वो कैसा है, तो इतना हिमायती ना बनो उसके, ठीक। अब से वीडियो आनी शुरू कर देंगे, क्योंकि डेली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं डेली ही करूँगा, जो मुझे ठीक लगे, जैसे इससे ज़्यादा। और बीच में इसलिए भी गैप हो गया थोड़ा बीच में, कि हस्तिनापुर वाला जो है ना, उसे मैं थोड़ा अच्छी एडिटिंग के साथ चाह रहा था, और वो थोड़ी लंबी भी थी वीडियो और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी भी, तो इसलिए भी मैंने ठीक है चलो। तो भाई अब बज रहे हैं 5, अब जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए, तो विशाल जाना है उससे वाला। हाँ एक चीज़, मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ, वो देखो, पता तो मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में। ये जो तुमने क्लिप देखी ना, ये हमारे गुरुद्वार की सड़कों की है, क्योंकि नगर पालिका वालों की हड़ताल चल रही है गुरुद्वार में। और ये अचानक सा कूड़ा रोडों के बीच में कैसे आ गया, ये कहीं से नहीं, इतना कूड़ा कोई नहीं फैला रहा, ये डस्टबिन से डाला गया है, मैं बता रहा हूँ इस बात को सच। मेरी ये आशंका है भाई, कभी कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो कि तुझे कैसे पता ये सब, मगर मैं बता रहा हूँ तुम समझ जाओ, क्योंकि दिखावे के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोई कूड़े वाले आ नहीं रहे ना 2-3 दिन से हमारे घर के बाहर, तो कह के गए थे कि डालो तुम तो सड़कों पर डालो, क्योंकि उनकी तभी सुनी जाएगी। तो भाई सही बताऊँ, अगर ऐसी सोच है तो नहीं सुननी चाहिए, ठीक। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम्हारी सुननी भी नहीं चाहिए, सही बताऊँ तो। अगर तुम सही से कायदे से हड़ताल करो तो फिर सही भी है, क्या ही यार, मतलब ऐसे तो गंदगी साफ़ करने वाले गंदगी फैला के अगर हड़ताल कर रहे तब तो बेकार है। तो चलो अब चल रहे बाहर, विक्रांत से भी मिलना है, कुर्ता उर्ता लेने के लिए कह रहा था, मेरा कुर्ता देख के साला जलता है मुझसे, मजाक कर रहा यार, अच्छा लगा उसे कुर्ता तो लेने के लिए कह रहा था, और यीशू भी कह रहा है चलो। हाँ तो वही आ गए हम विशाल में घाट, और इनकी आते ही बगीती शुरू, एक बस बच्चा बैठा रखा बास्केट में, उसे कह रहा कि ये कुत्ता किसने बैठा रखा, और इसने अनजाने में बोला भाई, पहले बता रहा। मस्त लग रही, शादी करा दूँ ये लड़की के बारे में ही बोल रहा था। अरे नहीं, यहाँ टी-शर्ट के बारे में, नहीं ये लड़की के बारे में बोल रहा था, ये यहाँ पे टी शर्ट है नहीं, पहली बात देखो, शर्ट शर्ट है सब, अबे इधर है शर्ट है, पीछे चल, नहीं नहीं ये ले लो भैया, शर्ट शर्ट है सब, ये शर्ट भाई, हाँ शर्ट पड़ी सब, कुर्ते ये तो रहे यार, तो दिख नहीं रहेगा ये तो रहे, ये अच्छा आ रहा, मुझे भी तो अभी दिखा, तेरा तो ये वाला था, हाँ मेरा ये वाला था, तो एक जैसा ही लेना, तो एक जैसा ले लेना, जैसा तू एक बात कह लेना, तू एक बात कहना फिर, छतरी ले ले, खोल दूँगा बेटे, देख तो ये कैसा लग रहा है ये वाला, इसमें और इसमें अंतर बता भाई, इतना छान बीन के उसने एंड में से ये निकाला, ये आग ही कटा। देखो तुम कहते हो ना विक्रांत को परेशान कर, इसकी ये हरकतें हैं। और देखो एक और चीज़ दिखाते हैं, इस भाई ने याद दिला, ये इमरजेंसी एग्जिट है और इस पर ताला लग रहा, भागे का काम पहले ताला, इंसान आग लगने पे भाग कहीं से भी जाएगा, मगर यहाँ से नहीं भाग सकता, गारंटी दे। तो वो गया अभी चेंजिंग, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिसे भी ये बुला रही है उसे घंटा समझ में नहीं आया। देखो इसकी हरकतें मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा, इसने अभी विक्रांत ने क्या कहा, बच्चों की तरफ आया हुआ, मैं कहता है मैं सोच रहा बच्चों के लिए ले लें कुछ, मैंने कहा क्यों, कि मैंने कहा किसके लिए, तो कहता है जो आने वाले हैं, अब तुम खुद देखो इसे मैं परेशान ना करूँ, हैं इसकी ये हरकतें। और अभी इनकी एक और हरकतें बताऊँ, दोनों एक ही चेंजिंग रूम में चले गए, वहाँ पर भैया फोटो खींच रहे, दिखा दे इधर को, मुँह दिखा दे, फोटो खींच रहे, इसे भी देखो, इसे भी, और बाहर हंसने की आवाज़ आ रही, कभी कुछ आवाज़ आ रही, हैंगर गिर रहे थे, तुम तो बोल ही नहीं रहते हैं, ऐसा क्या कर रहे थे, हैंगर गिर रहे थे, हैंगर गिर गया, खरीदने के वजह से देखो ऐसी ऐसी बातें करे, और ऐसे मैं तमीज़ दूँ, है ये देखिए कच्चे टंगे उठा ले,
भाई देखो मुझे कुछ लेना था तो मुझे वो मिल नहीं रहा था, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी कि ये चले गए, तो मैंने जानबूझ के मैंने कहा कि मैं मान जाऊंगा अगर ढूंढ दे एम साइज़ का भैया ने ढूंढ दिया यार भैया है तो देख ऐसा है कि दिल खोल है दिल फेंक है मगर उसका हम फ़ायदा उठा लें फिर। अब देखो ये अपनी पढ़ाई सुन सुन के ना मुस्करा रहा है और इसने कहा वैसे और इसने कहा वैसे कि बढ़ाई मारियो ठीक है, वैसे तुम्हें दिख गया होगा हाथ में क्या, देखो मेरा क्या हाल कर दिया और खुद खाली हाथ है ये, इसे इतनी शर्म नहीं आ रही कि भाई के हाथ में देख कितना, और अभी वो भी लाएगा ये वाले सही नहीं है, देख मैं तुझे दिखाता हूँ जिम। तो भाई हम भी आ गए चेंजिंग रूम में, ट्राई करते हैं अभी टी शर्ट जिम के लिए। क्या है फ्रॉक को तो ये पहन बेटे, इतना हराम है ना ये इंसान, और कहो कमेंट में ना कि इसकी इतनी बेइज्जती मत मारो, इसने पता क्या करा, मैं ट्रायल रूम में गया था मुझे वो वाली पसंद नहीं आई, फिर मैं बाहर आया मतलब साइज़ बड़ा था वो, दूसरी लेके आया मैं पीछे पीछे ये भी आ गया अंदर घुस गया, मैंने अपना ट्रायल कर लिया था, मैं बाहर को निकल रहा था, जब मैं बाहर निकल रहा था ना तब मुझे धक्का दे के अंदर और कुंदी लगा ली भाई, बड़ा हराम ये बहुत हराम है ये, कह रहा अब बता ये तो यही चाह रहा था ना ब्लॉग में, अब ये बात भी डले हाँ तो ये डलेगी कि इतना आराम है, तो ये चाह रहा था आधी बात मैं नहीं चाहता कुछ भी देखो अभी हाथ में था ना मेरे, अब देखो क्या क्या हो हाथ में था जो सामान अब इसमें है और इसमें नीचे भी बहुत है और अभी बहुत आना है, आते बोतल है ये इंसान कहता है, इधर को देख ले भाई कि कितने बड़े गिलास है इसमें तो दारू भी ज़्यादा आएगी ये कुछ फोड़ फाड़ के जाएंगे देखियो, ये देखो ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हैं मेरी, पीते कोई भी नहीं है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये पीते नहीं है ये बेचने का काम करेंगे वहाँ, और सच्ची कह रहा कसम से ना पीता कोई भी नहीं, छोटे वाले पे तो मुझे शक है और बड़े वाले का पूरा विश्वास है यार, देख इन इन रुपयों के अलावा कुछ भी टूटा उस पर मेरा कोई हिसाब नहीं है और मैं उसके बाद तुझे जानता भी नहीं, तो ये हो गया पूरा सामान, अभी तो श्रीकांत के लिए कुछ लिया भी नहीं, और श्रीकांत से तो पूछ लो उसके लिए क्या लेना, उसके लिए कुछ भी नहीं लिया श्रीकांत भाई, देखो मैंने पूछा था तुम्हारे बारे में, अब तुम खुद देख लो तुम्हारे बारे में ये नहीं जानते कुछ भी, बिल देख रहा है और बिल देख के पता ही ये क्या कह रहा, इतनी बड़ी तो पर्ची भी नहीं बनाई कभी स्कूल में तो भाई जिम से जा रहे हैं वापस जिम में करके, इसकी हालत देख लो मेरी तो क्या ही देखोगे, तो भाई जिम करके हम आ गए थे थोड़ा सिद्धली वाले पुल पे, दो मिनट के लिए हवा खाने वापस जा रहे हैं थोड़ी देर में, और बाकी सब कहाँ दिखा देते हैं, हम गए तो जिम में दो थे और देखो यहाँ पे कितने हैं दिखाते हैं, आज यहीं पे करते वीडियो बैन जाते जाते क्या करना है, लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का दबाना मत भूलना भाई साहब, तकली की तरह बिल्कुल बन जा कर दो ठीक है बिल्कुल ख़त्म कर दो, बाल कच्चे ना जाए।